दोस्तों आज मैं आपको इंडियन मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट सेलेबल स्कूटर और जो स्कूटर बहुत दिन से अपना मोस्ट सेलिंग ट्रैक इसको संभाल के रख रहा है उसके बारे में एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, यानी कि होंडा एक्टिवा 6G के बारे में एक डिटेल रिव्यू मैं आपको आज देने वाला हूँ। दोस्तों ये इंडियन कम्यूटर्स के लिए एक किफ़ायती स्कूटर हमेशा के लिए रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोशन ऑफ बंगाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाश्वत। दोस्तों मैंने ये वीडियो शूट किया है शांकी ऑटो सेंटर कोन नगर हुगली शोरूम में। इस शोरूम के साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस शोरूम से कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो शोरूम में ज़रूर विजिट करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुरंत दबा दें, क्योंकि इस चैनल में बाइक एंड स्कूटर रिलेटेड सब अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस स्कूटर में क्या कुछ नया है, क्या नया चेंजेस है और प्राइसिंग क्या है, वह सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हैंडल बार का बात करें तो हैंडल बार डिसेंट क्वालिटी का इसमें आपको देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में हॉर्न का स्विच, टर्न इंडिकेटर स्विच एंड हाई बीम लो बीम एंड इंटीग्रेटेड पास स्विच आपको देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही ब्रेक लीवर काफ़ी लाइट है। और अगर हम राइट हैंडल बार को देखें तो राइट साइड के हैंडल बार में आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ इंजन किल स्विच इंटीग्रेटेड करके दिया गया है, जो कि बढ़िया फीचर्स है इन दिस सेगमेंट। अब दोस्तों अगर हम मीटर कंसोल को देखें तो एकदम बेसिक सा मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्यूल मीटर, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। और एक जो बढ़िया चीज़ है वो है इग्निशन के साथ साथ फ्यूल एंड सीट खोलने का जो ट्रीटमेंट है वो इंटीग्रेटेड करके रखा गया है। और दोस्तों ये मैं LED वाला वर्शन दिखा रहा हूँ, इसमें हैलोजन वाला भी एक वर्शन आता है। हेडलैम्प LED है और टेल लैम्प में आपको बल्ब टाइप DC कनेक्टेड बल्ब देखने को मिलेगा और क्लियरेंस टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। एक्टिवा 6G का 3D एम्ब्लेम इस स्कूटर में आपको देखने को मिल जाएगा और इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का एक ब्रांडिंग और होंडा का ब्रांडिंग भी आपको स्टीकर के ऊपर देखने को मिलेगा। इंजन का बात करें तो इसमें आपको 109.5 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक फैन कूल इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 7.79 PS और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 8.79 Nm। और दोस्तों इसमें आपको ESP देखने को मिल जाता है। टायर का बात करें तो दोस्तों फ्रंट में आपको 90x90 साइज़ का 12-inch वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है और इसमें आपको अलॉय नहीं मिलता है, ये इसका स्टील रिम वाला वर्जन है। और रियर में आपको 90x100 सेक्शन का 10-inch वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ब्रेकिंग का बात करें तो फ्रंट एंड रियर दोनों ही तरफ 130mm का ड्रम ब्रेक इसमें आपको देखने को मिल जाता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में काम करता है और सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट मड गार्ड में मेटल का यूज़ किया गया है। अब फुटबोर्ड का बात करें तो काफ़ी स्पेसियस फुटबोर्ड इसमें आपको देखने को मिल जाता है। छोटा सिलेंडर भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं और फ्रंट एंड सीट के नीचे दो अलग से हुक दिया गया है। अब दोस्तों इसके में सेल्फ के साथ साथ किक स्टार्ट का ऑप्शन भी रखा गया है और जो फुट रेस्ट है उसका भी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। साइलेंसर का बात करें तो बेसिक सा एक साइलेंसर इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों अगर हम सीट का बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट एंड आरामदायक सीट इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप दो लोग काफ़ी आसानी से बैठ के टूर कर सकते हैं। और पीछे एक ग्रैब हैंडल भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करें तो इसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और मिरर क्वालिटी पे ठीक ठाक है। इसमें आपको 171mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 107kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों कोलकाता में इस स्टैंडर्ड वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 84 से 85 के अराउंड पड़ेगा। तो आपको ये स्कूटर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला एक किफ़ायती स्कूटर है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।